एक बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में बड़ा फेरबदल। इस वक्त की बड़ी खबर है, हम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चुनाव के ऐलान से पहले बड़े पैमाने पर फेरबदल। जम्मू कश्मीर में 200 अफसरों के तबादले और करीब 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का तबादला। इस वक्त की बड़ी खबर है, हम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में बड़ा फेरबदल। चुनाव के ऐलान से पहले ये बड़ा फेरबदल। जम्मू कश्मीर में 200 अफसरों के तबादले और करीब 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का तबादला। इस वक्त की बड़ी खबर है, हम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में बड़ा फेरबदल। चुनाव के ऐलान से पहले बड़े पैमाने पर यह फेरबदल किया गया है और साथ ही जम्मू कश्मीर में 200 अफसरों के तबादले, करीब 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का तबादला। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में बड़ा फेरबदल। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप जी, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जम्मू कश्मीर में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर यह फेरबदल, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दे दीजिए। जैसे बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जबकि ये चर्चा है कि आज चुनाव आयोग 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसमें चुनाव के बिगुल बजाएगा और खासतौर से जम्मू कश्मीर में भी चुनावी तारीख का ऐलान होगा। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर देखने को मिला है। जो जानकारी आई है उसमें करीब 200 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इसमें सिविल और पुलिस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। जबकि चुनावी बिगुल आज बज सकता है, इस तरह की चर्चा है जिससे ट्रांसफर की जानकारी आई है। तो कई IAS अधिकारियों को भी इधर से उधर भेजा गया है। इसके अलावा अगर देखें तो कई महत्वपूर्ण बदलाव ये देखने को मिल रही हैं। तो ये चर्चा है कि जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीख के ऐलान से ठीक पहले ये बदलाव हुए हैं, जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। IAS अभिषेक शर्मा जो सांबा के उपायुक्त थे, उनका ट्रांसफर राजौरी किया गया है, उपायुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जो है विकास को जम्मू कश्मीर पावर कारपोरेशन के लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद का अध्यक्ष प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा अन्य उपायुक्तों का भी तबादला किया गया है, उसका उपायुक्त भी यहाँ पर विकास कुंडल को नियुक्त किया गया है। कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां यहाँ पर बदलाव में की गई है और माना जा रहा है कि चुनावी संचनाव से पहले ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जी प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में 200 अफसरों के तबादले किए गए हैं, तो ऐसे में सरकार की इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए अमूमन जब भी ये चर्चाएं होती है और जिस तरीके से चुनावी बिगुल अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के मकसद से ये महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो अधिकार क्षेत्र होता है तबादलों का, अधिकारियों को नियुक्तियों का, वो चुनाव आयोग के पाले में चला जाता है। तो उससे पहले ही, चूंकि आदर्श आचार संहिता चुनावी बिगुल बजने के साथ लग जाती है, तो उससे पहले तबादले देखने को मिल रहे हैं, तो प्रशासनिक तौर पर इसकी अहमियत बढ़ जाती है। हालांकि चुनाव आयोग चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद भी कई महत्वपूर्ण बदलाव अपने समझ के मुताबिक वो कर सकता है, क्योंकि वो जायजा लेते हैं चुनाव की तैयारियों का और उसकी समीक्षा करते हैं और बैठक करते हैं, और उसके बाद अगर आवश्यक लगता है तो कई महत्वपूर्ण बदलाव चुनाव आयोग की ओर से चुनावी घोषणा के बाद वो किए जाते हैं। तो फिलहाल अभी ये स्थिति साफ नहीं है कि क्या ये चुनाव से संबंधित बदलाव है, लेकिन जैसे ही चर्चाएं शुरू हुई कि आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, उससे पहले बदलाव हुए हैं, लिहाजा इससे चुनावी घोषणा से पूर्व ये बदलाव जोड़कर देखे जा रहे हैं। जी प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो अभी आज तारीखों का ऐलान होना है, तो 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं? जी बिल्कुल, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में एक महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबला रहेगा ये। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हो गई है, क्योंकि मई 2022 के परिसीमन के बाद ये बदलाव हुआ है। इस तरह जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 2014 में 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे,
जिसमें जम्मू की 37 और कश्मीर घाटी की 46 सीटों के अलावा 6 सीटें लद्दाख की थी, लेकिन अब ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बदलाव के बाद के पहले जम्मू कश्मीर चुनाव आखिरी बार साल 2014 में हुए थे, तब जम्मू कश्मीर विधानसभा की 87 सीटों के लिए करीब 65% वोट रही थी। तो निश्चित तौर पर अब जब समीकरण बदले हैं और जब पीडीपी से गठजोड़ किया था बीजेपी ने, तब सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद ये गठबंधन टूट गया था और उसके बाद हटाई थी और उसके बाद विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने कई घोषणाएं की थी, मामला पहुंचता दिखा है आज की हो सकती है, लिहाजा ये कई मायनों में अहम रहने वाला है। जी अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा अफसरों के तबादले किए गए हैं, बड़े पैमाने पर यह फेरबदल किया गया है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, तो लगातार आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, तो सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां रहेंगी? देखिए बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हाल के दिनों में कई जगह पर खासतौर से डोडा के क्षेत्र की बात करें, आसार क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर आतंकी घटनाएं और उनके लगाम के लिए सुरक्षा बलों ने कई ऑपरेशन चलाए हैं और लगातार आतंकियों को वहाँ पर ढेर किया गया है, लेकिन फिर भी जो सीमा पर आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और जिस तरीके से चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना और उसमें एक शांति का वातावरण स्थापित करना एक प्रमुख चुनौती रही थी। ऐसे में इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, तो ये जरूर है कि लगातार बैठकों के जोर देखने को मिली है। तो जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति व्यवस्था और इसके लिए लगातार केंद्र की नजर बनी हुई है। इस बीच चुनावी भी एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था जहां सितंबर की समय सीमा तय की गई थी। ऐसे में चुनाव आयोग आज चुनावी तारीखों का बिगुल बजा सकता है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। और इससे पहले एक हलचल देखने को मिल रही है जब प्रशासनिक अधिकारियों का भी तबादला हुआ है और ये चुनावी पूर्व घोषणा से पहले एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। जी प्रदीप कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।